विकल्प जुग चार गए, नाथ में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। लख चारा सी खत में हुई ना, विकल्प जुग चार गए, नाथ में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। फरियाद नहीं कितनी माँ के बड़े पेट में एक पेट दर्याद नहीं, कितने हुए भाई बहन हम भूल गए हमें याद नहीं, कितनी हुई संतान हमारे कोई मैंड मर याद नहीं। शुभ अशुभ नर्क सूरज कई बार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। लख चौरासी खत्म हुई ना, विकल्प जुग चार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। सुनो भाई गौर से, सुनो गौर से, हम जो भक्ति करते इसलिए करते हैं कि हमारे जन्म के बंधन छूट जाएं, कि कोई और मतलब है, अंदर शांति आ जाए। अभी महात्मा कहता भी ठीक है, देख लो कब से हम मार्ग से बिछड़े हैं, पता किसी को कब से बिछड़े हैं, किसी को याद है, कुछ पता है? कभी कीड़े बनते हैं, कभी पतंगे बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, कभी घोड़े बनते हैं, सोचो कभी स्वर्गों में जाते हैं, कभी नरकों में जाते हैं, छुटकारा तो ना हुआ, फिर भक्ति का क्या फायदा हुआ? हमें उस भक्ति की जरूरत है जो जन्म मन के बंधन छुड़ा दे। कहता कर करके थक गए, चौरासी खत्म ही नहीं हुई, पता नहीं कितनी दफा माँ के पेट में आए हैं, पता नहीं कितने बहन भाई हुए हैं, पिछले भूल गए, कल को मर जाएंगे फिर ये भूल जाएंगे, सोच लो, वही माँ बनी, वही औरत बनी, वही बाप बना, वही बेटा बना, सोचो इसे धक्के खा रहे हैं कर्म भूसले में। त्रिलोकी के दायरे तक यही हाल है। कहता है बुरे कर्म किए, कहते हैं ना अच्छे कर्म किए जाओ छुटकारा हो जाएगा, बुरे कर्म किए गंदी जूने में गया नरक में गया, अच्छे कर्म किए अच्छी जूने में गया स्वर्गों में गया, स्वर्गों में सुख भोग गए, जब कर्मों का फल खत्म हुआ फिर चौरासी त्यौहार है, छुटकारा तो ना हुआ। कृष्ण भगवान ने लिखा है, हे उदो ये जो कीड़ा जा रहा है, ये कई दफा स्वर्गों का राजेंद्र बना, कई दफा सूची का कर्ता बना बना, आज ये कीड़ा है, स्वर्गों का क्या फायदा जिन स्वर्गों के लिए हम, सोचो कहते हैं स्वर्ग हो मुसलमान कहते भेज तो, सोचो कितने कितने साधन करते हैं, फिर फायदा क्या हुआ उसका? सवाल तो जन्म मन के बंधन छुड़ाने का है, चौरासी खत्म करने का है। कहते कोई दाद फरियाद नहीं, त्रिलोकी तक काल का दरा है। इधर शब्द गाते हैं ना, एक दिन घोकड़ा सिरे तीन लोग और चौदह भवन इस घोकड़ का राज, सबको खा गया है, सबको चौरासी में लिए फिर आया है। कृष्ण साहब ने लिखा है काल ने ऐसा पिंजरा बनाया, तीन लोग का पिंजरा भया, पाप उन दो जाल, सकल जीव सावक है एक हेरी काल, सबका शिकार कर रहा है, ब्रह्मा खा गया, विष्णु खा गया, शिव को खा, किसी को नहीं छोड़ा, नरेंद्र को खा गया, किसी को नहीं छोड़ा। सवाल तो छुटकारे का है, कैसे हो? हाँ कत अच्छे कर्म किए सुखों में गया वहां के सुख भोगे फिर चौरासी त्यार, बुरे किए नरक में गया गंदी चुने गया फिर चौरासी त्यार, छुटकारा कहीं में नहीं इसमें। हाँ जी उसने ऐसा जाल डाला है कि निकलने का राह ही नहीं छोड़ा।
एक मुसलमान ने लिखा है, अवार की निविशुदा खाना परामोशुदा गंदा पीरे कावली बस सैर कर देता जरा। जो जादूगर ने ऐसा जादू डाला है, ऐसा खेल डाला है कि निकलने का राह नहीं, पता नहीं धक्के खा रहे हैं। अवार की क्या दर दर भटते फिर रहे हैं, कभी किसी जून में, कभी किसी जून में, कभी किसी जून में, कभी किसी जून में। हाँ हाँ जी, आप भी करते हैं, कभी ख्याल किया है कि अंदर शांति नहीं आई, काम नहीं घटा, क्रोध नहीं घटा, लोभ नहीं घटा, मोह नहीं घटा, सोचो तो कभी किसी ने बेचारा जिस तरफ चल पड़े चल पड़े। हाँ कहते कोई दाद फरियाद नहीं, यहाँ भी कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के घर में कोई दाद फरियाद नहीं, कहते हैं ना इस गवर्नमेंट के मतलब काल की गवर्नमेंट में कोई दाद फरियाद नहीं, कोई नहीं सुनता, धक्के खा रहा है। हाँ लख चौरासी खत्म हुई ना, बीतल पिछुक चार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कभी कभी लिपटे रहे जड़ में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के माँ बंद रहे, कभी पैदा हुए पतिया, कभी जल के अंदर डूब रहे, अरे उम्र कटी जल पीने से, ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस जीने से। ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल मिट्टी में प्यार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। लख चौरासी खत्म हुई ना, पीतल पिछुक चार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। फिर बोलो, फिर बोलो, दोबारा बुलाने का मतलब यह है अभी गौर से सुनो, क्या कहता क्या है, कुछ सोचता है नहीं, दागा के परे हो गए। हाँ हाँ जी, कभी कभी लिपटे रहे जेरी में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के माँ बंद रहे, कभी पैदा हुए पतिया, कभी जल के अंदर डूब रहे, अरे उम्र कटी जल पीने से, ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस जीने। उस काल ने गोबर ने एक तो पाप और पुण्य का जाल डाला है, पैदाइश के चार जरिए बनाए हैं, क्या अंडज जेरे से तज उत्पज, अंडज वो हैं जो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे कबूतर चिड़िया और जानवर हैं, जेरेज वो हैं जो जेर से पैदा होते हैं, इंसान हैवान कंगड़ वगैरह, से तज क्या पसीने से पैदा होते हैं, उत्पज घास फूस वगैरह, कभी तो पानी के जीव बने, कभी पंखी होके उड़ा, सोचो छुटकारा ना हुआ। देखो बच्चा पैदा होता है, उसके इर्द गिर्द जेर है, उसकी जेर को आप क्या करते हैं, खड्डों में दबाते हैं, ऊपर कांटे रखते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, क्यों करते हैं ऐसा, वो जहरीली चीज है, कुत्ता खाएगा पागल हो जाएगा, किसी को काटेगा उसको पागल करेगा, कोई जहरीली चीज है उस जहरीली चीज में लिपटे रहे हैं, आप तो इतना बंदोबस्त करते उसमें लिपटे रहे हैं, अगर आप बंदोबस्त ना हुआ तो फिर लिपटना पड़ेगा। अभी अंडा गिरता है, पक्का फर्श उसी वक्त धोते हैं, कच्चा है तो धो के लेपा करते हैं, सोचो इस अंडों में लिपटे रहे हैं, सोच लो, नहीं तो फिर लिपटना पड़ेगा। अभी जरा सा पसीना आता है, साबुन से नहाता है, जब जुए बड़े पड़े थे उस वक्त क्या हाल था, नहीं तो फिर बनना पड़ेगा अगर बंदोबस्त ना किया, ये इंसानी जामे में हो सकता किसी में, ये बंदोबस्त करना था आकर, सोच लो ये बंदोबस्त करना, इस छुटकारे का बंदोबस्त करना था, ये सबसे ऊंची नारायण निकते कहते हैं इसे, ये मालिक के मिलने का वक्त है, ये सबसे ऊंची जून है, ग्रंथ साहब ने कहा ये सब जूनियों के सरदार है, ये सब जूनियों के सरदार है, इसी में छुटकारा हो सकता है, इसके लिए देवी देवते भी तरसते हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं। महात्मा चरणदास कहते हैं मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवनु को कठिन प्राप्त नहीं है,
सकल देवा, यही भांत मनोरथ नित करें, मनोजन को पाए के भाषा करते रहें। सोचो वो तरसते हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं, किसी को ख्याल है इस जूनी का? कहते भी हैं कि सब जूनी से ऊंची है, कहते भी हैं नर नारायणी देह है, पर ख्याल किया किसी ने भी इससे क्या फायदा उठाना है? किसी ने विषय विकारों में खराब किया, किसी बाल बच्चों में, किसी कौमों बजों के झगड़ों में, किसी देशों के झगड़ों में, छुटकारे का बंदोबस्त किसी ने ना किया? सोच लो, ये बंदोबस्त किसी ने ना किया? हाँ हाँ जी, किसी के पास नहीं। देखो पैदा ऐसे कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है, कोई काना है, सोचो किसी कोई नुकसान किसी कोई, ये हमारे कर्मों के हिसाब से, जैसे जैसे हम कर्म करें वैसे जिसम बनते हैं, ये सब कर्मों के हिसाब से है। इसका अंदर पाप पुण्य दो भाई, दो में मिलकर सिस्टर पाई, दो में मार जाए तो घर आवे गुरु सहस मामनी है। इतना जाल है काल ने डाला हुआ, कहते हैं ना प्रलब्ध है, पीछे कर्म किए उसका आप भोग रहे हैं, क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं, यही नहीं मेरे छुटकारा हो जाएगा। उसने एक और स्टोर रख छोड़ा है सिंचित कर्मों का, इसको पता ही नहीं। धृतराष्ट्र से पूछा गया कि तू अंधा क्यों हुआ है, उसने कहा मुझे पिछले 100 जन्मों का पता है, मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं जिसे मंदा हूं। जब कृष्ण भगवान ने तवज्जो दी तो फिर उसको पता चला 106 जन्म में कर्म किया था उसका, अब भुगत रहा है उसका इंतजाना। सोचो इतना स्टोर पड़ा है इसका, इसको पता ही कोई नहीं, बेहोश है सारी दुनिया, सोच लो बेहोश है, इसको पता नहीं। उस छुटकारे का बंदोबस्त करना जिससे सारे कर्मों के जाल से निकल जाए। हाँ लख चौरासी खत्म हुई ना, बीतल पिछुक चार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कभी कभी राजा रंग बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोमी बन के सो, कभी दुख सुख कभी ऐशरत, कभी रोगी बन के रोग लिया, हम आए थे भोग भोगने, हमें भी भोगने। चौरासी के फेरे में कभी हार रहे कभी पार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। फिर बोलो कभी कभी राजा रंग बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोगी। अच्छे कर्म किए तप किए, कहते हैं ना तपो राज राजो नरक, तप किए राजा बन गए बादशाह बन गए, फिर खूब ऐश की विषय भोग गए, फिर नरकों के समान छुटकारा तो ना हुआ। जैसे जैसे कर्म करता है वैसे भोगता है, ये सारे कर्मों का सिलसिला है। राजा भोज ने जोशी से पूछा कि मुझे राज क्यों मिला, मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया है? तो जोशी ने कहा कि जो फलां साधु बैठा है तो उसके पास जा, वो बताएगा। वो साधु के पास गया, वो तप कर रहा था, लकड़ी सेक रहा था, उसने अब शक्ति से उसको अंदर ले गया, दिखाया कि स्वर्गों में उसके लिए महल बन रहे हैं। उसने पूछा भी क्यों? कहने लगा राजा
एक तो तू एक मैं, दोनों भाई थे। वो एक नंगी फिर रही है बुढ़ी, वो हमारी माँ थी। वो झाड़ू दे रही है, वो बहन थी। एक दफा हम भूखे थे, थोड़ा आटा लाई माँ, चार रोटियां बनाई। रोटियां बनाई तो एक एक रोटी ले ली। एक साधु आ गया, उसने आके अलख जो आई, वो कहने लगा मुझे रोटी दो। माँ कहने लगी तुम्हें कहाँ से दें, हम अगे भूखे हैं कई दिन के, मुश्किल से रोटी बनाई है, तुम्हें कहाँ से दें। उसने भी जिद की, उसने उसका कपड़ा खेचा तो वो नंगा हो गया, वो नंगी फिर रही है, उसका नतीजा ये। बहन ने झाड़ू मारा उठा के, तो झाड़ू दे रही है। मैंने गर्म लकड़ी उठाई, उसके मारी चलती लकड़ी, तो मुझे लकड़ियां सीखनी पड़ी। तूने ख्याल किया अभी वाकई भूखा हुआ कोई, आधी रोटी दे दी, उसका नतीजा ये है। ये कर्मों के सिलसिले में फिर रहे हैं, इसी तरह धक्के खा रहे हैं। जैसे जैसे करते हैं हम तो कहेंगे बड़ा तपस्वी है, अभी लकड़ी सेक रहा है, ये पता कर्मों के सिलसिले में भुगत रहा है। सोचो ये कर्मों के सिलसिले में भुगत रहा है लकड़ी सेकनी, हाँ इसीलिए धक्के खा रहा है ये। हाँ कभी कभी राजा रंग बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोगी, कभी दुख सुख कभी ऐशरत, कभी रोगी बन के रोग लिया, हम आए थे भोग ले गए उन तो पूरा कर आर गए पार गए। हाँ हाँ जी कभी कभी लिपटे रहे जैसे भेजता बेईमान जिनकी हो गया। हाँ कभी कभी राजा रंग कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के, कभी दुख सुख कभी ऐशरत, कभी रोगी बन के रोग लिया, हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया। चौरासी के फेरे में कभी हार रहे कभी पार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते आर पार। क्या आपने देखा होगा इंद्र आते हैं ना, वो चिंडोल क्या कहते चिंडोल के हंडोला, हंडोला बच्चे खिलाते हैं ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी साइड में, कभी मृत मंडल में, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, इसी तरह धक्के खा रहा है बस, अंडोले की तरह बस इसी तरह धक्के खा रहा है, होश ही नहीं किसी को। हाँ जो फकीर अंदर जाते हैं वो हमारी हालत देखते हैं, इनका हाल क्या हो रहा है, उनको आगे दुख होता है, उनकी को सुनता नहीं। कबीर आया, किसी ने सुनी? अब तो कबीर कबीर करते हैं सारे, उस वक्त किसी ने नहीं सुनी। जगत का है जुलाहा ज्ञानी, हर हर का कुछ भेद न जानी, नीच जात और भक्त का ही हर का दर्श कबूल पाई। कहता पुकार पुकार के थक गया, वो कहता जुलाहा इसको क्या पता है। अब कबीर कबीर करते हैं, सोचो दादू साहब आए, वो रो रो के गए, क्या दादू कहत पुकारी, कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद तेबे पट पर मुंह लवारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े वह जल थारी, ईसाई सब धोखा खाया पढ़न जील बिचारी, हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे बोले पारी। ये मैं कहता हूँ मैंने नूर जहूर खुदा देखा है, तुम भी देखो, कोई सुनता ही नहीं, कोई कर्म में फंसा है, कोई धर्म में फंसा है, कोई तपो में फंसा है, कोई पढ़ने में फंसा है, कोई ज्ञान में फंसा है, इसी तरह धक्के खा रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं। त्रिलोकी के दायरे तक छोटे साहब का सुनो, तीन लोक पे रागा बिना विचार विवेका
तो जितने जीव है त्रिलोक की सब पीड़े जा रहे हैं, वहां तक कोई शांति से नहीं। यही महात्मा जगजीवन साहब ने लिखा है। क्या वो कहते, पंछी जाए पुकारे पंछी नागे रोए, तीन लोग फिराए हूं बिंदु लगे न कोई, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं वहां तक। हाँ, बिना विचार चनों के साथ उसका घुना भी पीछा जाता है, सोच लो। इसी तरह सब अच्छे बुरे कर्म वाले सब पीड़े जा रहे हैं, इसी तरह हाल है। हाँ जी, बिना विचार कर्मी है, इसको चक्कर में लिए फिर रहे हैं, इससे छुटकारा करें, कर्मों के जाल से निकलना है। कहते बार बार इसी फंसे पड़े हैं, जानते भी हैं पीड़े जा रहे हैं। भगवान ने लिखा अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों ही हथकड़ी हैं, जानते भी हथकड़ी हैं, छुड़ाने के बंदोबस्त करो। हाँ, देखी देखा पड़ा आपसे आप फेरा पेरे से जो बजे ताहे को हंसी लगावे। पहले तो उनकी सुनता नहीं, उसको सुनता है उसने कहा तो ला जुलाई के पास जा रहा है, गुनान साहब आए कुरैये के पास जा रहा है। सोच लो ये हमारी रीते छोड़ दी प्राणी, हम गए कोटपुतली, वहां एक आदमी आया, कहने लगा ये हमारी रीत परंपरा से चली आ रही है। हमने कहा ये तो ठीक है परंपरा से चली आ रही है, ये भी सोच परंपरा से 84 में भी धक्के खा रहे हैं, उसका बंदोबस्त करो। रीत तो वो है जो इसके छुटकारे का बंदोबस्त करे, जन मन के बंधन छुड़ाए, वो रीत है। बाकी रीतों क्या करोगे सोचो, बाकी क्या करोगे, जन मन के बंधन छुड़ाने ये काम करना था। हाँ, इसी तरह सारी दुनिया धक्के खा रही है। हाँ, एक दूसरे के पीछे। हाँ जी, देखी देखा पड़ा, एक दूसरे की सुनेगी, फकीरों की कोई नहीं सुनता, कोई बिरला बेशक भागो वाला सुने। हाँ, देखी देखा पड़ा आपसे आप मेरे से जो बजे ताहे को हंसी लगावे पर सब कहते हैं सब को तेरे पीड़े जा रहे हैं, मुझे दुख आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, कोई मेरी सुनता नहीं, उनको दर्द है हमें दर्द नहीं। फिर सब क्या कहते हैं, कर ले सौदा पार लगने का, आगे आगे हटड़ी बाजार भी नहीं, वो सौदा तो किसी ने ना किया पार लगने का,
आओ मेरे राजा, मिन्नत से आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता। बोलो क्या करती उनको, हमारे लिए कहते थे। फकीरों का दुख है, बाकी किसी को दुख नहीं, अपना किसी को दुख नहीं। हाँ वो देखते हमारी हालत क्या है आगे। हाँ पर तू मेरा चलता को चौरासी के फेरे में कभी आर रहे कभी पार गए, नाक में समय आ गया अब तो मरते मरते हार गए। लख चौरासी खत्म हुई ना बीत कलप झुक चार गए, नाक में समय आ गया अब तो मरते मरते हार गए। हमने सोचा काम क्रोध को मार गिरा दे कर दश में, ये मरे नहीं हम मरते रह के बारी बार जस अब जस में। मान बड़ाई और ईर्ष्या करनी चाहे थी बस में, ये हुई नहीं हमारे बस में, हम ही हो गए इनके बस में। जितने काम कर रहे हैं इन काम क्रोध के कर रहे हैं, अपना कोई भी नहीं। जितना काम कर रहे हैं इनका कर रहे हैं, या काम का या क्रोध का या लोभ का या मोह का या अहंकार का। औरतें सी काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीने जायदाद लोग की, मार बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के, आत्मा कौन सा काम है। और वो हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं, हमें पता नहीं, हम जेली हैं, इस जेल में कैद हैं, आत्मा इस जेल में कैद है, इसको हथकड़ी लगी हुई है काम क्रोध की। ना हथकड़ियां दिखाई देती हैं, ना आत्मा दिखाई देती है, ना काम क्रोध दिखाई देते हैं। बाहर देखो जेली है, उसको दो सिपाहियों ने पकड़ा है। वो कहते हैं कोठी साफ कर भाई, वो करता है फलाना काम कर, वो करता है फलाना काम कर, करता है, करना तो नहीं चाहता, सिर पे डंडा को खुलवाता है। इसी तरह काम करता, चल मेरा काम कर, चल दीदियों के पीछे, क्रोध कहते मार डंडा, ये तो जानता है फांसी में चढ़ूंगा, जेलों में जाऊंगा, क्रोध मरवाता ना मरवाता, करो कब कौन करता है सोच लो। ये कहते मान मटे से क्या लेना है, मान मटे के लिए कतलो खून कर रहा है, सोचो अहंकार कराता नहीं कराता, सोच लो। ये कहते मैं चोरी ठगी क्यों करूं, लोग करवाता नहीं करवाता, करो कब कौन करता है। बंदोबस्त ये करना है, इनसे छुटकारा हासिल करना है, तब मालिक की दरगाह में जा सकता है। हाँ हमने सोचा काम क्रोध को मार गिरा दे कर दश में, ये मरे नहीं हम मरते रह गए बार बार जस अब जस में। मान पड़ाई और ईर्ष्या करनी चाहिए थी बस में, ये हुई नहीं हमारे बस में, हम ही हो गए इनके बस में। इस दुनिया में बड़े बड़े आकारी लंबे काम पसार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। लख चौरासी खत्म हुई ना बीत कलप झुक चार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते।
और फिर इसके लिए क्या कहते हैं कि गुरु की जरूरत है। सोचो भाई, शोर ना करो, 8,000 साल तप किया, मन ने मार दिया। सिंह ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पौनहारी दरख्त पे एक दफा जीभ मारता था, पानी पी लेता था, उसको मन ने मार दिया। सोच लो, प्राचीन जी पूर्ण होगी होकर आए, सोच लो हृदय सीधे प्राप्त की, मन ने मार दिया। मच्छंदर इस देह से निकल जाता था, आत्मा 3 शरीरों में कैद है। क्या विषय भोगे, राजपाट करें, किसी राजे का देहांत हुआ, अपनी रूह को जिस्म से निकाल कर उसके जिस्म प्रवेश करके विषय भोगे ना भोगे। सोच लो, उन्होंने सबने गुरु किए, बैठो, मन ने चाल किया, विषय भोगें, राजपाट करें, अपनी रूह को जिस्म से निकाल कर उससे जिस्म में प्रवेश करके विषय भोगे ना भोगे। उन्होंने भी गुरु किए, आगे छुड़ाने वाला तो ना मिला, यहां तक तो आया। महात्मा चरणदास कहते हैं, गले आरे गुरु फिर थे कर कर कंठी देत, और काज उनको नहीं कृपया कौन हेत, कान फूंका गुरु जा इतकार राम मलावन और सो सतगुरु को जानिए मुक्त खावन ठौर। वो मुक्ति वाला हो रहा है, उसको सब छोड़े बैठे हैं, जो मुक्ति वाला उसको सब छोड़े बैठे हैं। ये ठीक है गुरु गैर मुक्ति, मुक्ति वाला हो रहा है उसको सब छोड़े बैठे हैं। वो कौन सा है मुक्ति वाला, सोचना है वो है कौन सा। बोल भाई दारमदर, हाँ ये मुक्ति वाला जो कि सब कह रहे हैं। हाँ आप दारमदारी मेरा सती गुरु, आप खेल खिलाड़ी हो, आप दारमदारी, आप दारमदारी मेरा सती गुरु, आप खेल खिलाड़ी हो, आप दारमदारी। गगन मंडल का तंबूतन आया, गगन मंडल का तंबूतन आया, धर्म कली क्या डारी हो, चांद सूरज दो मिसाल बना दिया, चांद सूरज दो मिसाल बना दिया, तारों की फुलवाड़ी हो, आप दारमदारी, आप दारमदारी मेरा सती गुरु, आप खेल खिलाड़ी हो, आप दारमदारी। दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, अपना खुद माली हो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आपका रे रखवाली हो, आप दारमदारी। गाते तो सब हैं ये शब्द, पर कभी ख्याल किया ये कौन सा है दारमदारी, ये कहाँ रहता है, ये सतगुरु कहाँ रहता है जिसने चांद सूरज बनाए, धरती बनाई, तारे बनाए, पेड़ पेड़ में पानी लगाए, सारी दुनिया को जिंदगी और ताकत दे रहा है, सब रचना करने वाला, काल भी उसी ने बनाया है, खेल उसी ने डाला है, ये सतगुरु है जो छुड़ाने वाला है। कहाँ रहता है ये सब लिखते हैं, सुन हृदय, सतगुरु सैदानी, सतगुरु सत पुरुष को जानी, रहता कहाँ है, चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा, त्रिलोकी तक काल का दायरा, वो चौथे लोक में रहता, त्रिलोकी से पार। देख लो मच्छंदर यहां तक आया, साहब कहते रगड़ा है भारी, कुछ समझे संत जान, रड़बड़ मच रही भारी, यहाँ रड़बड़ आया जीव, मारा गया ना मारा गया, वो छुड़ाए तो छुड़ाए, ये धर्मदारी सतगुरु वो चौथे लोक में रहता है। दूसरा उसका रूप क्या है, शब्द,
अभी प्राइम मिनिस्टर बोले, एक मिनट में आवाज आ जाएगी, हाँ सब अफसर काम करने लग जाएंगे। किसने कराया कहा, वो तो बाहर बैठा है, उसकी आवाज ने, शब्द ने, हुक्म ने। इसी तरह मालिक का हुक्म कहो, शब्द कहो, नाम कहो, वो रेडियो सारी है, वो सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। उसका दूसरा रूप हुआ शब्द, दूसरा रूप क्या है, शब्द। तब उन्होंने कहा शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द को शब्द बनाने वाला सब कुछ है, हम सब कहते हैं तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरदन चेला। कबीर साहब कहते शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर बटमार। ये तुलसी साहब ने कहा है, सुत श्री शब्द गुरु मिल मार्ग जाना हो, अलखा काश उदा कुआ तामे सुर समाना हो। इसी को कहते हैं हजना जिंदा राम। हजना का मतलब क्या है, ये जो हम नारा लगाते हैं धन सतगुरु का, किसी बाहर गुरु का नहीं, इसका है, ये धन है, ये धन है जो सब रचना करता है। इसी को कहते हैं हजनाज जिंदा राम। हजनाज का मतलब है जो सबके साथ रहे, जिंदा वो ताकि जो मरने जमने से परे है। ये तो कल को मर जाए गुरु, गुनाम साहब कहते सो गुरु करो जो बहुत न करना, ना वो मरे ना होवे सोग। सोचो वो गुरु करो जो कभी मरे ना। गुनान साहब कंधार गए, वहां यार अली फकीर मिला, उसने पूछा पीर शमा कदामा तुम्हारा गुरु कौन है। ये फारसी के लफ्जों में है, जन्म साखी में। उन्होंने कहा पीरे माँ जिंदा पीर है, मेरा गुरु जिंदा गुरु है। कि जिंदा गुरु के, हाँ कि मुझे तो जिंदा पे इतकाद नहीं। क्यों, कि जो पैदा हुआ उसने जरूर मरना है। तो गुनान साहब ने फरमाया या खुदा पीर है दैन जिंदा उसको लाल मरीद है, ये खुदा ही गुरु है जो हमेशा जिंदा है, सारा आलम उसका मरीद है। मुझे खुदा पीरे दिगर कदम, खुदा के अलावा और कौन गुरु हो सकता है। सदगुरु मेरा सदा सदा नावे ना जाए, ओ अविनाशी पुरखा सब मेरे असमाए। हम कहते हैं ये तो बागड़ में शायद बोलते हैं, एक सदगुरु दाता सब जग मंगन हारा। सोचो सदगुरु दाता सब जग मंगन हारा, यहाँ गुरु लगी पड़े मांगते फिर रहे, ले आओ ले आओ ले आओ लगी पड़ी है। सोचो वो हमारे मत आए थे। ग्रंथ साहब कहते सदगुरु मेरा बेमोहताज, सदगुरु मेरा सच्चा सास, मेरा सदगुरु बेमोहताज है। कैसे बेमोहताज है, ये किसने बनाई चादर, ये कपड़ा बना ना, कैसे बनाया, ये किसने कपास बोई, किसने चुगी, किसने बेली, किसने सूत बनाया, किसने रंग बनाया, किसने बुना, कितने कारीगर लगे, कितने हथियार लगे, कितने का मोहताज हुआ। ये बेमोहताज सतगुरु जो फूलों में रंग भरता है, देख लो कहीं गया हरा रंग लेने, कहीं गया पीला रंग लेने, सोच लो। देखो इसके अंदर कितनी तारे हैं, इसके अंदर भी हैं, ये मैक के अंदर भी हैं, कितने कारीगर लगे, इसके अंदर भी हैं, ये नकल है, ये असल है, ये मौके सर ये काम देने वाला है, जन्म के बंधन छुड़ाने वाला है, मौत के वक्त ये काम देने वाला है, बस कोई देने वाला है। इसको सब छोड़े बैठे हैं धर्मदारी सतगुरु। जिस वक्त मौत आई, मौत अंदर, जमदूत अंदर, आत्मा अंदर, वो रोता है चिल्लाता है, हम पास बैठे को मदद कर सकते हैं। उस वक्त धर्म स्थान बाहर, बाहर वाले गुरु बाहर, कौन छिड़ाया उस वक्त, इसको तो किसी ने खुश ना किया। सोच लो फकीरों ने इसे देखा, उन्होंने आकर कहा कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है, उसको खुश करो, इसको तो किसी ने खुश ना किया, बाकी सब तो किया, इसके गुण किसी ने ना गाए, बाकी सबके गाए। सोच लो इसको किसी ने प्रकट ना किया, इसका जतन किसी ने ना किया, ये छुड़ाने वाला है। बाहर ना गुरु हुआ ना होना है। एक दूसरे साहब के पास कोई आदमी आया, उसने गुरु और चेले के मतलब पूछा, ये कीमती बात है समझने वाली। उसने कहा रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि को हूं समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना, सो सो पड़े नरकी खाना। एक बोल साहब माही राजा, गुरु चेला द्वैदे साजा, चेला बन गया गुरु दूरी तो पहली आ गई। चेला होए नेक विद भाई, गुरु होए चौरासी जाई, चेले का तो फिर भी छुटकारा नीचा तो हुआ, वो तो अहंकार में भर गया मैं गुरु, उसका तो बेड़े घर का। सोचो जो गुरु बना उसका तो बेड़े घर का, मैं आ गई अहंकार हो गया उसका बेड़े घर का। जितने फकीर माल की दरगाह में गए,
जो सतगुरु के पास गए उन्होंने कभी नहीं कहा मैं गुरु हूँ या फला हूँ या मेरे में ये ताकत है। उसने कहा जो को है, ताकत है सतगुरु में है, मालिक में है। हमारे परम संत कहा करते थे हम सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले। कहते कहते नहीं, उन्हें करके दिखाया। वो दास बने हैं, वो दास बने हैं। गुरु गोविंद सिंह क्या लिखते हैं, जो हमको परमेश्वर उचर है सो नरकुंड में पर है। जिसने अपने आप को परमेश्वर गुरु कहाया उसी का नरको मोको दास तब उनका जानो या मैं भेद न रंज पुछानो। ऐसे ही लिखा है ना कि मैं तो सबका दास हूं। जिसके अंदर वो सोचो वो मालिक, वो सतगुरु जो सब खंडो पर हुंडा का मालिक है, उसकी निशानी है कोई? सोच लो, कोई उसको गालियां निकाले किसी रोटी बंद की? इतनी हस्ती को मटाए तब मालिक का रूप बने। जो अहंकार में भर गए वो मालिक के पास कैसे जा सकता है? जो कहा मैं गुरु हूं वो कैसे जा सकता है? उसके पास है ही नहीं। एक अफसर बैठा है, सात क्लर्क बैठे हैं उसके पास बैठे हुए। क्लर्क या चपरासी को कह सकता मैं यूं कर सकता हूं? उसको अफसर का डर नहीं? जो मालिक की दरगाह में जाए उसको मालिक का डर नहीं, वो कैसे कह सकता मैं ये कर सकता हूं? सोचो, है नहीं ना। जो मालिक के पास जाए वो कैसे कह सकता है? सोचो, ये गुरु है जो मुक्ति का दाता है। ये अंदर जाकर मिलता है, बाहर नहीं। क्या लिखते हैं? पढ़ भाई हमरा। ये मलुकदास का है। सब फकीरों की जो मालिक की दरगाह में गए एक ही तालीम है। क्या? हमरा सतगुर बिरले जाने, हमरा सतगुर बिरले जाने, सुई के नाके समेर चलावे, सोजे रूप खाने। सुई के नाके समेर चलावे। क्या? जट चेतन की गांठ खोले, अहंकार को मारे, मन को काबू करे, ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे, यहाँ आए फिर सतगुरु का पता चलता है। क्या कहती है मीरा? सांखड़ी गली मेरे सतगुरु मिला, किसी फिर उठी सांखड़ी गली में। सांखड़ी गली में कब जाओगे? वो तीसरी आंख से देखा जाता है जिसको शिव नेत्र कहते हैं। नान से अखड़िया बहन जिन्हें सिंधु माफरी कहते थे ना, तीसरी आंख है, शिव नेत्र है। कभी खोलने का जतन किया? कहते हैं जट चेतनी गांठ है, किसी खोलने का जतन किया? ऐसे ठेके लिए बैठा है। हाँ, सुई के नाके समेर चलावे, सोजा रूप खाने। की तो जाने दास कबीरा, की हर नाक सपूता, की तो नाम देव और नानक की गोर खबूता। हमरे गुर की अद्भुत लीला, ना कछु खाए ना पीवे, ना वे सोवे ना वे जागे, ना वे मरे ना जीवे। ये सतगुरु है, उन्होंने देखा तब लिखा है। सोचो, उन्होंने देखा तब लिखा है। ये कबीर ने देखा तभी कह रहा है धर्मदारी सतगुरु। ये सतगुरु सब छोड़े बैठे हैं, ये मुक्ति का दाता है। हाँ, कोई फकीर ऐसा मिले वो हमें समझाया भी तेरे अंदर, जैसे मीरा को रविदास ने समझाया। ये शर्म याद छोड़े, दुनिया के लोक लाज छोड़े, सच्चा प्रेम हो फिर हासिल कर सकता है। मीरा देखो ठाकुर खानदान से, सोचो ठाकुर खानदान से, वो चुमार, सब डरते थे चुमार के पास जाने से। वो तड़पती थी, रविदास मिल गया, फिर उसने मेहनत की, मेहनत की तो फिर क्या लिखती है? संखड़ी गले मेरे सतगुरु मिला, किस भी गुरु कुट्टी। संखड़ी गले में आए तो सतगुरु का पता चले, ये भी संखड़ी गले में जाए, सुई के नाके समेर चलावे, मनुकदास कहता है तब चलता है ये सतगुरु। हाँ, आपे धर्मदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो, आपे धर्मदारी, आपे धर्मदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो, आपे धर्मदारी। राम नाम की चौपड़ी मंदिरी, राम नाम की चौपड़ी मंदिरी, तो पसा जग सारी हो, जिनका जीवड़ा आया जीत घर,
जिनका जीवड़ा आया जीत घर सो नर सुकर खिलाड़ी हो आप दारमदारी। फिर बोल पढ़ते तो रोज सारे गाते हैं इसका तो मतलब तो कोई ना समझा दो पासा जग सारी कैसे है। हाँ फिर बोल हाँ। राम नाम की चौपड़ दो पासा जग सारी हो जिनका जीवड़ा आया जीत घर जिनका जीवड़ा आया जीत घर सो नर सुगड़ खिलाड़ी हो आपे दारमदारी। राम नाम क्या है किसे कहते राम? राम कहते रमेता सुरामा जो चीज सर सर में रमी उसको कहते राम। वो नाम रूप में शब्द रूप में रमा हुआ है ये करंट आ रही है बिजली की आप इसे बल्ब जला लें सुख ले लें जूते जला लें सुख ले लें कारखाने जला लें सुख ले लें बिजली जला लें सुख ले लें पंखे जला लें सुख ले लें ठीक है। अगर हाथ लगाए साड़ेगी भी दोनों काम इसने किए सुख भी दिया दुख भी दिया ठीक है। इसी तरह वो भी करंट है सबके अंदर में भी ताकत है उसको हमने लगाया काम करो लो हंकार को इसलिए सड़ रहे हैं। अगर शिव शिमा संतोष तीरज विवेक दीन तार गरीबी पे लगाए तो अंदर शांति आ जाए कुछ है? फिर जैसे कारखाने पे चलाएंगे वैसे करेगा काम ये करंट। इसी तरह जैसी पूजा करेगा वैसे जाएगा। कृष्ण भगवान ने क्या लिखा है जो भूतन पूजा करता भूतन के पास जाता है पितरों करता पितरों के पास जाता है देवी देवते करता उनके पास जाता है। सुगड़ खिलाड़ी कौन है देखना है सुगड़ खिलाड़ी देवी देवता ही बना फिर चुरासी रही फिर क्या फायदा हुआ किया तो उसी करण ने काम। सुगड़ खिलाड़ी कौन है अगर कोई हमें मैकेनिक मिल जाए वो हमें करंट पकड़ा दे जिस तरफ से आ रही है हम उस तरफ चल पड़े कहाँ जाएंगे हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे पाखड़ा सोच लो। इसी तरह पूरा सब कीर मिले वो शब्द से तलक जुड़वा दे वो ये काम सिखाए ये शब्द से तलक जोड़े वो सीधी सड़क मार्ग दिखाई पहुंच जाए। सुरत शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार कहे कबीरता देखिए बैठा पुरुषों मार शब्द बिना सुरतांद्री कहो कहाँ को जाए द्वार न पावे शब्द का बटका खाए। सोच लो शब्द मिले तो हर मिले सेवा पब सब था उस शब्द को उस करंट को उस नाम को मुसलमान कलमा कहते हैं कलाम इलाही कहते हैं बांगे आसमानी कहते हैं हम शब्द कहते हैं नाम कहते हैं हुक्म कहते हैं वाणी कहते हैं ये गुरु है ये मुक्ति का दाता है। यहाँ आए तब उस गुरु का पता चलता है पहले नहीं यहाँ से उससे तल्लुक जुड़ता है वो सुगुरु खिलाड़ी है वो मालिक की दुर्गा में जाता है। हाँ हाँ जी आप दारमदारी मेरा सती गुरु आप खेल खिलाड़ी हो आप दारमदारी। आज भी सब गए वहां सोचो मालिक की दरगाह में फिर उन्होंने तभी लिखा तजर्बे की बिना पर क्या सुरत शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार कहे कबीरता देखिए बैठा पुरुषमार शब्द बिना सुल्तानी कहो कहाँ खो जाए द्वार न पावे शब्द का फिर भी भटका खाए। ये पर सब कहते हैं उन्हें शब्द का उन्हें धुन का है धुन आने जो गन की सो मेरा दुर्वे सो मेरा गुरुदेव गगन से आ रही है धुन वो गुरुदेव है दूसरा नहीं वो मुक्ति का दाता है। बाहर वाले गुरु ने मिट्टी क्लीन कर दी सबकी ये कर वो कर ये बाहरी बाहर रख दिया अंदर जाने का ना आप गए ना दूसरे को जाने दिया सब अंधेरे में। हाँ साथी का चीर बेगम का चोला साथी का चीर बेगम का चोला वो सच्चा देश है जिसको सत लोग कहते हैं अमर लोग कहते हैं। बेगम का चोला क्या वहाँ कोई गम नहीं वो ऐसा देश है वहाँ कोई गम नहीं जिसको रविदास ने कहा बेगमपुरा शहर को ना दुख दो नहीं को ठाव उस देश का नाम क्या बेगमपुर वहाँ कोई गम नहीं
वहाँ खुशी खुशी है, शांति शांति है। साथी का तीर बेगम का चोला, जिनकी सुनने अटारी हो, जिन पर सती गुरु राजी हो जाए, जिन पर सती गुरु राजी हो जाए, इनका जग से भिखारी हो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सती गुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो, आपे दारमदारी। फिर बोलो। साथी का चीर पे गम का चोला, जिनकी सुनने अटारी हो, जिन पर सती गुरु राजी हो जाए, इनका जग भिखारी। जग भिखारी क्या, मालिक भी उसके पीछे पीछे है, ये थोड़ा भी जपे मालिक भी उसके पीछे पीछे, अगर थोड़ा मेहनत करे मालिक भी उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ है। कैसे साथ है? हाँ सुनो, फकीरों ने तजर्बा किया फिर लिखा, वाणी में भी यही आता है, फिर घर बैठो हरजन प्यारे सदगुरु तुम्हारे काज हमारे, तुम बैठ के भजन करो, अगर ठीक भजन हो तो सदगुरु पीछे पीछे है। ये पलटू साहब लिख रहे हैं क्या? पलटू सोए मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार बना लिया ना, बना लिया, सोचो तुम्हारा ना बने। पलटू सोए मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन हो सोन लागे, दोनों पाँव पसार देख के दुश्मन भागे। ये मैं तो मस्त हूँ, अपने मस्त लगा पड़ा हूँ, उसका नाम जप रहा हूँ, वो पीछे पीछे है, मेरी चौकीदारी वो कर रहा है, नामदेव की छपरी बनाई, तने गंगू चिराई, तो इसकी ना चिराए। साहिब चौकीदार मन हो सोन लागे, वो मार्क भी गुप्त, उसके खजाने भी गुप्त, उसके चेक भी गुप्त, सोचो उसके बैंक भी गुप्त, उसके काम भी गुप्त, मसाले पड़ी हैं, मुसीबत पड़ी, क्या नाम है उसके, ना ना क्या नाम उसका, सलाद पे तो थम से निकल के आ गया गुप्त, सुदामा गया कृष्ण भगवान के पास, अब बोला भी नहीं कुछ, उसने बैठा लिया, अब उसको तो ख्याल भी घर में बच्चे दुखी होंगे, उसने जाने न दिया, गुप्त काम हुआ ना हुआ, उसने महल बनवा दिया, सोचो देख लो, नामदेव की छपरी की सौ कितने बढ़ते हैं, वो कितने मसाले हैं, इसके काम ना करें, हमने जाना नहीं आता, हमें चीज नहीं मिली। हाँ जी साहिब चौकीदार, जिस फकीर से वो काम लेता है वो उसको दुनिया का मोहताज नहीं करता, अपना मोहताज करता है, वो अपना सुधाना देता है, सोचो मांगते फिर रहे हैं सब जगह जगह, ये करना है वो करना है ये करना है, चंदे फंड, वो कभी चंदा फंड नहीं कराएगा, ये निशानी है खास, वो कभी नहीं कराएगा, मर के मुक्ति मिलेगी, वो कहते जिंदगी में ले ले हासिल कर, कुछ तो हासिल कर साधो भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे जीवित मुख में आशा, मोहे मुख कहे गुरु स्वार्थी झूठा विश्वास, जो आप एक दो जमात नहीं पढ़ा मर के कैसे पढ़ जाएगा, बी एम ए हो जाएगा, कुछ तो हो पढ़ाई से पता लग जाता है ना, एक मास पड़ गया, दो पड़ गया, चार पड़ गया, आठ पड़ गया, इसी तरह इसका भी पता चल जाता है, जो भक्ति की त्यों रानवास, इसके अंदर राम बसने लग जाता है, विद्या की तरह वो भी काम देने लग जाता है, चौकीदारी करने लग जाता है। इसका नाम है राम जपना। हाँ जी साहिब चौकीदार मगन हो सोने लागे, कोई बच्चा माँ बाप पे छोड़ दे,
वो चुप करके अपना काम करता जाए जैसे वो कहें। तो माँ बाप को सब फिक्र पड़ जाता है, नहीं पड़ जाता है? तो मालिक को नहीं पड़ेगा अगर उसका बने। हाँ वृद्धा जग तू मेरा हो जाए, सब जग तेरा होए। हाँ जी हाँ जी। जाके सिर पर रामा को बारी न बांके, बापिन में मैं रहो अपनी। कबीर के खिलाफ पंडित और मौलवियों ने चिट्ठियां भेज दी उसके भंडारा बदनाम करने के। तो बेचारा कबीर क्या करे, वो छुप गया, लोग इकट्ठे हो गए, मालिक ने ऐसा भंडारा किया, धन कबीर धन कबीर धन कबीर धन कबीर, वो छुपा बैठा। वो कह रहा ये क्या बात है, धन कबीर कैसे कह रहे हैं? सोच लो, देख लो, लाज रखता नहीं लगता? ये भक्ति करे इसकी भी रखेगा? हमको नहीं सोचा, सोच सब पड़ गए ना, सोच उसको मालिक को कबीर की। हमको ऐसे कबीर की तेरे भक्ति करे इसका भी करे? उस रास्ते को सब छोड़े बैठे, उस धर्मदारी को सब छोड़े बैठे। हमको नहीं सोचा, सोच सब उनको भारी, दिन भर पड़े न भोर लेते कबर हमारी। चिन पर भरे न चिन पर भरे न भोर लेते कबर, मिंट मिंट पे बोलो। हाँ जी। लाज सजा दिन राम पर डाल दिया सिर भार, पर तू सो गए मगन में साहिब चौकीदार, पर तू सो गए मगन में साहिब चौकीदार। कैसे अंदर है, राम कहो गुरु कहो सदगुरु कहो, वो सब किसके अंदर है? कैसे अंदर है? दुनिया ढूंढ दिया बाहर, सब लिखे मुझको कहा ढूंढे तो बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में ना तीर्थ में ना मूर्त में ना कंद नमाज में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊ पल भर की तलाश में, क्या एक भी सुनो साधो मैं तुम विश्वास में। अंदर इसको विश्वास आता ही नहीं, कैसे अंदर है? सुनो धामों पे जाते हैं दुनिया, किसी को मिला या बिल्डिंगे देख ली या पानी देख लिया, किसको मिला? ये धाम है जिसको मिला अंदर से मिला, जिसको मिला अंदर से मिला है। कैसे अंदर? तेरा राम मेरा गण भूल गया तोरे धाम, जीव जो रहे दूध के भीतर मत बिन कैसे पावे, भूल माहे जो बात रहते हैं जतन से पिया लगावे। जैसे दूध में घी है कैसे निकलता है, वो पहले जाग लगाते हैं फिर उसको रिड़ते हैं, फिर छोटी छोटी डलियां बन जाती हैं, फिर बड़ी डलियां बन जाती हैं, फिर पीड़ा बन जाता है, फिर उसको गर्म करके जो थोड़ी बहुत लस्सी वो भी अलग कर लेते हैं, फिर घी बनता है। देख लो दूध में है ना, इसलिए राम भी इसके अंदर है। तो ऐसा फकीर मिले जो इसको जाग लगाए फिर रिड़के क्या सेवन करे, कैसे उसमें छोटी छोटी डलियां बनी, लस्सी अलग होने लगी, ये भी जड़ चेतनी गांठ खुलने लग जाती है, काम क्रोध की अग्नि बुझने लग जाती है, उसकी बजाय शील सीमा संतोष तीरज विवेक दीनता रुखरी पियाने लग जाती है। जब ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा हुआ जड़ से तलक टूट गया, यहाँ आत्मा और मन दोनों की बैठक है, दोनों मिले हुए हैं। फिर जैसे वो मक्खन से घी अलग करते हैं, फिर मन को भी अलग करे, फिर आत्मा के स्वरूप का पता चलता, फिर मालिक की दरगाह में जा सकता है, दुनिया बातों से चाहती है। जीव जो रहे दूध के भीतर मत बिन कैसे पावे, फूल माहे जो बास रहते हैं जत
इधर निकालते हैं ना, बाकी क्या रह जाता है, कोकड़ सब बाहर रह जाता है, इधर इधर खुशबू खुशबू निकल जाती है, इसी तरह ये मेहनत का सौदा है। हाँ हाँ जी, मेहंदी माए रहे जलाली काठ में अग्नि छिपानी, खोते बिना नहीं कोई पावे जो धरती में पानी। जमीन में हर जगह पानी है, हमारे पंजाब की तरफ जाओ कई जगह 5-5 फुट पे मिल जाता है, कई जगह 10-20 फुट पे है, इधर जाओ मारवाड़ की तरफ कई जगह 300-300 फुट पे भी नहीं मिलता, 400-400 फुट पे भी नहीं मिलता, मिलता है जरूर, कई जगह 1000 फुट से भी है जरूर। इसी तरह चाहे कोई हिंदुस्तान का है, चाहे पाकिस्तान का है, चाहे अमेरिका का है, चाहे अफ्रीका का है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कर्मी धर्मी है, चाहे कसाई है, सबके अंदर जो निकाले जो खुद दे। हाँ हाँ जी, मेहंदी माए रहे जलाली काठ में अग्नि छिपानी, यही गुनार साहब ने लिखा है। कास्ट में जो है बसंतर मत संजम काट कर डीजे, राम नाम है जोत सवाई तत् गुरमत काट लीजिए, जैसे लकड़ी में आग है वो राम नाम की जोत भी सबके अंदर है। इधर एक शब्द गाते हैं, महात्मा अचल राम हुआ है शायद भी गाते हो, वो लिखता है माई मेरे मंदिर में जोत जगे, काया मंदिर में जो जगह बिन दीपक बिन बाती गिरत के, सोचो वो कब देखोगे, ये बाहर नकलों में फंस गया। यही पंडित साहब कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती, वो कब देखोगे। हाँ हाँ जी, भूख मैं जो कंद रहा पेड़ रहे फल मारी, कीमती बात है समझने की, हम नकलों में फंसे हैं। आप मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, शिवद्वारों में जाओ, आपको दो किस्म की शक्लें मिलेंगी, या तो गुंबद होगी या लमूत्री शक्ल होगी जैसे शिवद्वारे की है। सबके अंदर घंटे शंख बज रहे हैं, सबके अंदर ज्योतें जग रही हैं, मुसलमानों के चिराग जलाते हैं, मृदंग बजाते हैं, ठीक है, गिरजों में भी ऐसे ही है, फकीरों ने वो जोत अंदर देखी, हमें बताया, नमूने बना दिए बाहर, क्या गुम्बद कौन सी है, ये गुम्बद है, लमूत्री शक्ल कौन सी है, ये लमूत्री शक्ल है, जिसको कृष्ण भगवान ने कहा है नाश करके अगर भाव आओ यहाँ आओ, यहाँ कुदरती ज्योतें जाग रही हैं, घंटे शंख बज रहे हैं, सोचो आरतियां हो रही हैं, ये तो हमारे समझाने के लिए था, नकलों में फंस गया असली चीज ही छोड़ दी। हाँ हाँ जी, इसी तरह तीर्थों का हाल है, प्राग पे जाते हैं नहाने के लिए, वहां क्या है, 3 नदियों का संगम है, मैंने साफ हुई किसी की काम क्रोध घटा, असली प्राग इसके अंदर है, वो बताया है, ईड़ा पिंगला और सुखमना 3 वर्ष 1 ठाई बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करे थे, वो नमूना दिखाया जैसे ये संगम है, यहाँ तुम्हारे अंदर भी है, वो असली तीर्थ है, वो प्रागस में नहाओ जाके। हाँ हाँ जी, अक्सर तीर्थ तो देखे बाहर क्यों भटका है, चरणदास का उल्टा हुए घटा है, अंदर बड़े तो आप देखे, अंदर तो जाता ही नहीं, अंदर का ख्याल ही नहीं किसी को। हाँ हाँ जी, माए जो कंद रहे फल माही, बार बार गुरु आप भी बाहर मुखी, दूसरे को बाहर मुखी रखा, वो मत्था टेक दे, वो मत्था टेक दे, बस खत्म हो गया काम, बड़ा क्या। हाँ, ऊक माए जो कंद रहा पेड़ रहे फल माही, देश देश अंतर ढूंढत फिरत है, घट की सुध है नाही, पूर्ण ब्रह्म रहे तो ही मैं क्यों तू फिरे उदासी, पलटू दास उलट के ताके तू ही है अविनाशी, पलटू
कोई चीज ऐसी नहीं जो इसके अंदर ना हो, सब चीज इसके अंदर है। कुल ब्रह्मंडों का नमूना इसके अंदर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, साहब लिखते हैं अब्दू अंधा धुन यारा, कोई जानने का जाना नारा। या घट भीतर बाण और बस्ती यही में झाड़ पारा, या घट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचन आरा, या घट भीतर सोना चांदी यही में लगी बजारा, या घट भीतर हीरा मोती यही में परखन आरा, या घट भीतर काशी मथुरा यही में घर घर नारा, सोच लो। या घट भीतर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा, विष्णु भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, देवी देव के अंदर दिखाए, सोचो वो कब देखोगे। या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे खुट भंडारा, या घट भीतर अनहद गर्जे बरसे अमृत धारा, वो अमृत कब पियोगे। या घट भीतर आए ले तैन राम कृष्ण अवतारा, कहे कि सुनो अब तो यही में गुरु हमारा, उस गुरु कब देखोगे। ये मुक्ति का दाता है। हाँ हाँ जी अगर नहीं देखते तो चौरासी तैयार है, फिर पढ़ते फिर। हाँ आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो, आपे दारमदारी। अमृलोक से किया पे आना, अमृलोक से किया पे आना होए, ज्ञान घोड़े असवारी हो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, अब के जीत हमारी हो, आपे दारमदारी। यहाँ कहते हैं ना, कोई एमएलए में खड़ा हुआ, कोई सरपंच खड़ा हुआ कि मेरी जीत हो गई। ये फकीरों ने देखा मैं मालिक की दरगाह में पहुंच गया, मेरी भी जीत हो गई, वहां से आया हूँ अमर लोक से पैगाम लेकर। गुरु गोविंद सिंह जब अंदर गए तो क्या लिखते हैं, दो ते एक रूप हो गयो, चितना भयो हमरा आवन को, चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में, ज्यों त्यों प्रभु हमको समझायो, इम कह के लोग उठायो। कि पहले मैं अलग था मालिक से, भक्ति करके जब माल की दुर्गा में गया, मेरी सुरत उनके चरणों में लगी पड़ी थी, आने को दिल नहीं करता था, वहां की खुशी और शांति आनंद देखकर आने को दिल नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों कर समझा के भेजा, कहां से आया दुर्गा से, सोचो। एक वीर साहब कहते हैं अमर लोक से आया हूं, ये जीत जीती है, तुम भी चलो अपने देश, वो खुशी और शांति का देश है, महरम हो सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पाव, कैन सुन से न्यारा, वहां किंगरी बज रही हैं, मुरलियां बज रही हैं, बीन बज रहे हैं, ज्योते जग रही हैं, पढ़ते पढ़ते हैं, पर कभी ख्याल किया भी वहां जाना भी है, जाने का भी बंदोबस्त करो, तो पढ़ने पढ़ने के लिए है, सोच लो। एक रविदास ने किया, फिर वो लिखता है बेगमपुरा शहर को ना, उस देश का नाम बेगमपुरा है, वहां की एक ही बादशाह आता है, मैं भी आजाद हो गया हूँ, हूँ तो चुमार, मेरी भी खुलासी हो गई है। हाँ जी हाँ, अमृलोक से किया पे आना होए, ज्ञान खोड़े अतवारी हो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, अब के जीत हमारी हो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो, आपे दारमदारी। धन धन सतगुरु। सुनो हाँ, उन्होंने खास खास प्रेमियों का वो कह नहीं दिया, यही वो कह रहे हैं जैसे उसने कहा आपकी जीत हमारी, वो क्या कहते हैं। हाँ कोटन युग, कोटन युग पर ले गई हम ही करने हारा, कोटन युग पर ले गई
ये तो बातों बातों से है, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, बातों 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 में सोच लो अहम ब्रह्मास्मी। ये कोर्स करना पड़ता तब बनता है, ऐसे नहीं जैसे डॉक्टरी का कोर्स कर लिया फिर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर किया इंजीनियर बन गया, इसी तरह ये भी कोर्स करना पड़ता तब बनता है, ऐसे नहीं। हाँ हाँ जी, हम ही करने हार, हम करता के करता, जे कर करता नाम आद में हम ही रहता। मरे ब्रह्मा विष्णु मृत्यु न होए हमारी, मरे शिव के लाल मरे शिव की नारी, धरती अग्नि आकाश हुआ पवन और पानी, आज ज्योति मर गई रही देवतन की नानी, पलटू हम मरते नहीं ज्ञानी ले हो विचार, कोटन युग पर ले गई हम ही करने हार। ये काम करना था जिंदगी में आकर, ये जीत जीतनी थी, बात जीते क्या करेंगे, यही रह गई। सोच लो पाकिस्तान बना, जो आए हैं वहां से उनसे पूछो, उनके पास जमीनें भी थी, जायदादें भी थी, कारखाने भी थे, सोच लो ओहदे भी थे, बंदूकें भी थी, काम आया, यही काम ना आगे क्या काम आएंगे। ये सोचो ये काम करना था, ये काम देने वाला है, ये काम देने वाला है राम, अगर थोड़ा भी हो ये काम देने वाला है। हाँ देवे कुछ, हाँ बोल, फिर से नहीं मिलेगा। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो बन फल पाके होए गिरे बोहर न लागे डा। पता नहीं कितनी दफा में मिला होगा, ऐसे बर्बाद करके चले गए, अब भी ऐसे बर्बाद कर जाएंगे, इतना बंदोबस्त किया फिर पता नहीं कब मिले, फिर भी ऐसे बर्बाद करते आए, फिर कशियत कर जाए। जो इसका बंदोबस्त कर गया वो छुटकारा कर गया, नहीं तो बस। हाँ हाँ जी, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना, मानस जन्म फिर से आना, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। मिले ज्ञान मार्ग
जगत में। मिले ज्ञान मार्ग ना कबू जगत में, अगर सत्य संगत में आना नहीं है। सत्संग किसे कहते हैं? कहीं गा बजा लिया वो भी सत्संग है, कहानी वो भी सत्संग है। सत्संग वो है जिसमें सत को मिलने का साधन हो वो बताया जाए, उसका नाम सत्संग है। असली सत्संग क्या है? दो चीजें सत है, आत्मा और राम, सुरत और शब्द दोनों का मेल हो उसका नाम सत्संग है। या वो साधन कोई फकीर बताए उसको कह सकते दुनिया में। हाँ, मिले ज्ञान मार्ग ना कबू जगत में। बुरा साहब लिखते हैं ऐसा सत्संग भागवत से मिलता है। कई कोट मांगा सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, कि लाखों करोड़ आदमी चाहते हैं कि हमें सच्चा सत्संग मिले, मात का प्यार और प्रेम मिले। जिनको हो स्पर्शन नानक ते जन सदा सत्संग, जिन पे मालिक मेहर करे उनको मिलता है, वो मुबारक है, वो धन है। हाँ, अगर सत संगत में आना नहीं है, अगर सत संगत में आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। फिर और किसी ने सुनी वो रो रो के गए, सब कुछ झुका झुका गए, सब अपने अपने नशे में मस्त हैं। कहते हैं ना वो नशे में मस्त है, कोई कहता है शराब के नशे में है, कोई कहता है पीम खाई हुई है, कोई कुछ, सारी दुनिया नशे में है। किसी को माया का नशा चढ़ा हुआ है, किसी को जमीन जायदादों के ऊपर चढ़ा हुआ है, किसी को खानदान का चढ़ा हुआ है, किसी को ओहदे का चढ़ा हुआ है, कोई सुनता ही नहीं। सोच लो कब सुनता है, कब याद आता है, क्या कबीर प्राणी तब जाके जमकर डंड मुंड पर लगे, जब जमदूत सिर पे आ जाओ ओहो मैंने क्या किया, फिर होश आती है। फिर क्या बनता है? हाँ जी, सभी विश्व में सतगुरु समाया, सभी विश्व में को सतगुरु समाया, अज्ञान कारण छिपाना नहीं है, अज्ञान कारण छिपाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। सपने की माँ ये रचना है सारी, कहते तो सारे हैं सपने जैसी है पर यकीन किसी को भी नहीं। सपने में है उसको सच्चा लगता है, जब जागे फकीर फिर यकीन होता है कि सपना है। इसी तरह अगर ये फकीरों का मानकर
अंदर जाए भजन करे, जड़ चिटनी गांठ खोले, फिर देखता है ओहो ये तो सारे सुखना है, फिर पता चलता है, फिर होश आती है, फिर जागृत अवस्था में आता है। बल्कि यही नहीं, फिर शिशु मंडलों में अगर उसे पार जाए, फिर कहता है ओहो शिशु मंडल भी ऐसा ही है, फिर कहता कारण मंडल भी ऐसा आ गया, सब देश वो सच्चा है, वो हमारा असली देश है जिसको अमर लोग कहते हैं, जहां से ही आया है। इसी के मतलब कबीर साहब ने कहा है, अरे जीरा तू अमर लोग को आए पड़े बस काल हो, ये अमर लोग के रहने वाला है, काल के बस में आया है, मन स्वरूपी निरंजना तुम्हें राखे भरमाई हो, बस मन के मतायत हुए हैं सब, होश ही नहीं किसी को आने देता, ये मन ऐसी बला है, यही हमारा दुश्मन है। हाँ हाँ जी, सपने की माया ये रचना है सारी, कोई वस्तु कायम रखाना नहीं है। बार बार गुरु ने क्या किया, और कहीं ना जाना मेरे बगैर, बस बस किसी को सुनने नहीं देते फकीरों की, गुनान सब किसी को सुनने ना दी, कबीर की किसी ने सुनने ना दी, पट सब किसी ने सुनने दी, अगर सुनने भी कुछ गए भी उनकी रोजी पे फर्क पड़ा तो उसको जिंदे को जलाया, बोलो मौलवी और पंडितों ने। हाँ, सपने की माया ये रचना है सारी, कोई वस्तु कायम रहना नहीं है, कोई वस्तु कायम रखाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना संसार विषयों में फिरता भुलाया, संसार विषयों में फिरता भुलाया, ब्रह्मानंद निज रूप जाना नहीं है, ब्रह्मानंद निज रूप जाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही भजना से लागे मीरा मीठी मेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी मेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा लागे भजन से मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी पूरे पूरे राणा, भजना से लागे मीरा मीठी उस वक्त तो जो मिठास उसके पास थी वही जानते हैं जिन्होंने तो लगता है। अब भी उसके गुण गाते हैं मीरा के, बोलो मीरा मीरा करते फिर रहे हैं, इसका नाम भजन है। हाँ।
कंकड़ी गली में माने सत गोद मिले कैसे मीठी बनी अंदर सतगुर को प्रकट किया कंकड़ी गली में तब मीठी बनी ऐसे नहीं कंकड़ी गली में माने सत गोद मिले कंकड़ी गली में माने सत गोद मिले लागे वचन से मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी उदयपुर राणा भजना से लागे मीरा मीठी कहीं तो नीराए थारो राम बता दे कहीं तो नीराए थारो राम बता दे मैं तो ये सारी बातें झूठी है मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी उदयपुर राणा भजना से लागे भजन से मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा उदयपुर राणा भजना से लागे मीरा मीठी मारो तो राम राणा जी घट में बिराजे मारो तो राम राणा जी घट में बिराजे हरी की पैसे फूटी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे मिया उदयपुर राणा भजना से लागे लेके खड़ग राणा जी मारे न जाले लेके खड़ग राणा जी मारे न जाले मेला मेला में मीरा डीठी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी उदयपुर राणा भजना से लागे मीरा मीठी दुरानी जठानी मोरी सास ननंदिया दुरानी जठानी मोरी सास ननंदिया जलवाले होई रे मीठी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी उदयपुर मीरा बाई ने सतगुर मिलिया मीरा बाई ने सतगुर मिलिया चरणों में प्रीति सारे दिखी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी उदयपुर राणा भजना से लागे लागे भजन से मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे उदयपुर राणा भजना से लागे मीरा मीठी।